हेलो दोस्तों, मैं हूँ वैष्णवी और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही इजी और आसानी से बनने वाली चिकन पिज़्ज़ा। तो चलिए देखते हैं इसे आसानी से कैसे बनाते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे लिया है ब्रेड स्लाइस, इसके कॉर्नर्स और साइड्स मतलब साइड्स हमने कट कर लिया है। और हम लेंगे दो ब्रेड स्लाइस और इसे हम एक तरफ से पानी लगाएंगे। इसे हमें हल्के से ही पानी लगाना है और दूसरी तरफ को भी अच्छे से पानी लगा के लेना है। जब हम पानी लगाए तब ये ब्रेड कट नहीं होना चाहिए, इसे हमें हल्का सा ही पानी लगाना है। और फिर हम दूसरे ब्रेड को उसके ऊपर से रख के इसे हम बेलन की मदद से इसे हमें बेल लेना है। इसे हमें हल्का सा ही बेलना है ताकि ये दोनों तरफ से चिपक जाए। अब ये देखो अच्छे से चिपक चुका है। और ऐसे ही हम और एक बना के लेंगे। हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। देखिए दोनों अच्छे से हो चुका है लगभग। अब हम इसे हल्का सा इसे बेलना है ताकि दोनों तरफ से अच्छे से चिपक जाए। फिर हम एक कॉर्नर को लेंगे मतलब दोनों पीस के एक एक कॉर्नर को लेंगे और उसे हम पानी लगाएंगे। इसे हमें हल्का सा ही लगाना है पानी। फिर हम दूसरे तरफ को भी पानी लगा के लेंगे। फिर हम उसके ऊपर से इसे रखेंगे और फिर से बेलन की मदद से इसे हमें बेल लेंगे। इसे भी हमें हल्का सा ही बेल लेना है ताकि दोनों तरफ से अच्छे से चिपक जाए। देखिए जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आप लोग कीजिए। मैंने पहले भी आपके साथ ऐसे ही सेम रेसिपी शेयर किया है बट वो वेज है और आज हम बनाएंगे नॉन वेज। आपको कौन सा पसंद आता है आप वो घर में बना के देखिए। अब ये देखो अच्छे से हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर से रखेंगे एक ढक्कन और साइड से हम कट कर लेंगे क्योंकि इसे हमें गोल बनाना है। आपने देखा ही होगा कि पिज्जा गोल होता है। नॉनवेज पिज्ज़ा तो खाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है और चिकन पिज्ज़ा तो बहुत ही अच्छा। आप इसे ट्राई कीजिए एक बार और मुझे खा के कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो अब ये देखो गोल हो चुका है, आप इसे ठीक से अच्छे से कट कर लीजिएगा। तो अभी हम लेंगे यहाँ पे जो हमने बेस बनाया था वो और उसके ऊपर से हम रखेंगे चीज़ स्लाइस। फिर हम उसके ऊपर से रखेंगे और एक बेस और फिर हम इसके ऊपर से लगाएंगे मेयोनीज। इसे हमें अच्छे से लगाना है, साइड्स में भी अच्छे से लगा के लेना है ताकि खाते वक्त बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। फिर हम इसके ऊपर से डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। यहाँ पे हमने लिया है एक चम्मच पिज़्ज़ा सॉस और दो चम्मच टमाटो सॉस, दोनों को हमने अच्छे से मिला के यहाँ पे लगाया है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं हो तो आप सिर्फ टमाटो सॉस ही लगाइए। तो इसे भी हमें अच्छे से लगा के लेना है। अभी हम इसके ऊपर से डालेंगे चिकन। चिकन को मैंने बॉईल करके इसके छोटे छोटे टुकड़े बना के इसे मैंने टॉस कर लिया है। तो टॉस करते समय मैंने डाला था थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च, ऐसे गरम मसाले और टॉस कर लिया था। आप भी वैसे ही कर लीजिएगा। तो अभी हम इसके ऊपर से डालेंगे चिकन। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप सिर्फ वेज पिज़्ज़ा ही बनाइए, चिकन मत डालिए। ऐसे ही मतलब आपको जो सब्ज़ी पसंद है आप उसके ऊपर से डाल के पिज़्ज़ा बनाइए।
अगर आपने मेरा पिछले वीडियो में नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाकर वीडियो देख लीजिएगा वेज पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं। तो अब हम इसके ऊपर से डालेंगे कैप्सिकम, आपको जो सब्ज़ी पसंद हो आप उसके ऊपर से डालिए। अगर आपको कॉर्न पसंद है तो आप कॉर्न डालिए, मैंने यहाँ पे कॉर्न नहीं डाला है क्योंकि मुझे नहीं पसंद इसीलिए। फिर हम इसके ऊपर से डालेंगे अनियन, और टमाटर, तो लास्ट में हम इसके ऊपर से डालेंगे ढेर सारा चीज। और इसे हम एक पैन में रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है नॉनस्टिक पैन और इसे मैंने प्री हीट कर लिया है थोड़ा सा, और इसके ऊपर से हम डालेंगे तेल और तेल को अच्छे से फैला लेंगे। और अब हम इसके ऊपर से रखेंगे पिज़्ज़ा और इसे हमें जब तक चीज़ मेल्ट ना हो तब तक ही इसे हमें पकाना है, इसे हमें ढक कर रखना है। अभी देखिए चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और अभी ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपको कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।